ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बुधवार है ना, मामा का दिन है। मैंने बहुत बारी बताया होगा, आज फिर से बताती हूँ। सोमवार है शिव बाबा का दिन, मंगलवार है मंगलम भगवान विष्णु का दिन, मंगलम भगवान विष्णु का दिन, बुधवार है मम्मा का दिन, गुरुवार है सतगुरुवार का दिन। बिस्पत अच्छी दशा बैठ जाती है एकदम। शुक्रवार है शुक्रिया बाबा आपका, शनिचरवार है दे दान तो छूटे ग्रहण, संडे है प्रज्ञान सूर्य है बच्चों का दिन, SUN या SON, संडे है ना, फिर मंडे से नए, तभी 7 दिन के कोर्स का बहुत बड़ा महत्व है। अभी भी मधुबन बैठे 7 दिन कोई अपने आप को पूरा भट्टी में डाले, जो 14 साल की हमारी बच्ची का समाचार सुना है ना, वो 14 साल के बच्ची का अनुभव मधुबन में 14 दिन में करो। क्यों? वरदान भूमि है, तपस्वी भूमि है, परमात्मा बाप की चरित्र भूमि है। जब ज्ञान सरोवर पांडव भवन में चलती फिरती हूं ना, जैसे लगता है क्या वंडर है भगवान तेरा। सारे विश्व भर आप लोगों ने देखा होगा, मैंने तो अच्छा देखा, सबसे ज्यादा देखा है मनी बहन, विश्व भर सारा सबसे आपसे ज्यादा देखा होगा ना। ऐसा तीर्थ स्थान कहीं नहीं, सब धर्मों का तीर्थ स्थान है, धर्म पिताओं के भी पिता का निजा भाई। देखो नशा चढ़ता है, कौन सा तीर्थ स्थान पर बैठे हो, ये तीर्थ स्थान है हर परमात्मा के बच्चे के लिए, परमात्मा बाप का न सिर्फ दर्शन करने के लिए, पर दर्शन मुहूर्त बनने के लिए स्थान है। जो हम आपका हमारा आपका सब दर्शन करे और आत्माओं का सुख शांति प्रेम में संपन्न हो जाए, ऐसे स्थान पर हम रहने वाले हैं। ऐसे स्थान पर बैठ के भगवान के डायरेक्ट महावाक्य सुनते हैं, भगवान बोले और हम सुने तो हर बात में हमको कोई ना कोई कहानी जरूर याद आती है। हम जब अबू में आए तो बाबा ने यहाँ बीकानेर हाउस, अलवर हाउस, ये सब हाउस थे, पालमपुर हाउस को, तो बाबा की थी राजाओं की सेवा करो, तो बीकानेर हाउस में बीकानेर की राज माता रहती थी, तो बाबा ने कहा ना सेवा करो, तो हम गई उनकी ऑफिस शहर में थी छोटी सी, उनको कहा तो मैं राज्य माता से मिलने चाहती हूँ। कहा हाँ तुम राज्य माता से मिलने चाहती हो, अच्छा मैं बहुत भगवान को प्यार से याद करती है। बाबा ने सुबह को मोली चलाई, दिन में मैं चली गई, अपॉइंटमेंट मिल गई, तो गई राज्य माता से मिलने के लिए। आदि से लेकर के दूसरे किसी को ले जाने का मुझे ख्याल नहीं आता था, अकेली जाती थी, चली गई, इतना प्यार से मिली, इतना प्यार से मिली। तो उसने कभी अपनी भक्ति की जो अंदर भावना, जो किसी को पता भी नहीं था, किसी शेयर भी नहीं करती थी, वो क्या समझेंगे वैसे उसके बात को। वो उसको ये था, ये जो हमको राजा ही है भी, जो भी है ना, भगवान के दया से आया है,
कहा मैं रात को 12 तक भक्ति करके फिर सो जाती हूँ, जो कोई मैं देखे नहीं, सब सोते हैं, मैं रात को 12 तक भक्ति करती हूँ। जब तक विष्णु जी का दर्शन नहीं हुआ है ना, तब तक नहीं सोती हूँ। ऐसे स्थान पर हम बैठे वो दर्शन, फिर मैं सोच जाती हूँ, फिर समझती हूँ बहुत, मैं अंदर से मैं किसको सुनाऊँ, तुम मेरे पास किसने तुमको भेजा है? इनका बाबा ने कहा था बच्चियों की सेवा करो, तो मैं आई हूँ आपसे मिलने के लिए। रात उस दिनों में बाबा कहता था जिनको अच्छी तरह से बेगरी पार था, अच्छा योगी बनना तो 2 से 5, जिसकी आंख बंद न हुए, वी शेप में 25-30 बहनें होती थी, हम बाबा मामा सामने बैठते थे, ऐसी दृष्टि दिया, इतनी दृष्टि दिया, ऐसे बैठे। वहां की लाइट शहर में दिखाई पड़ती थी, वरांडा था, पर बाबा जो ये दृष्टि देते देते कहता है, उस माता को याद किया, मैंने समझा शायद मुझे याद आई होंगी, मैं पूछता हूं उसको याद किया, बच्ची वो भक्तन है, तुमको जब बोला तुमने उसको कहा, मैं उससे बातें भी करती हूं, मैंने कहा बाबा बोला, कहा तो फिर तुमको उसको याद करना चाहिए, क्योंकि अभी इमर्ज हो जाए ना बच्ची बाप से बात करना शुरू कर देवे, ऐसी सेवाएं बाबा ने कराई है। फिर दोबारा फिर कुमार का दादी को लेके गई उसके पास। तो अपन को पहले तो इतना नशा हो, पढ़ाने वाला कौन, पढ़ाई कैसी है, किस लिए पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? बाबा कहते हैं समझने वाले, ये बात समझने वाले बच्चे जो है ना करोड़ों में कोई थोड़े है, पर ऐसा समझे जो दूसरों देख करके कहे ये क्या सुना रहे हैं, लगे ये ईश्वर के बोल सुना रहे हैं। दूसरा मीठी बहन, मोहिनी बहन रात को वरदान की बात निकली ना, प्रणाम बोली, बाबा ने कहा लोग सन्यासी माता मांगते हैं वरदान दो, आयुषु आयुषवान पुत्रवान भवा, कुछ बनता नहीं, क्या है भा? बाप तुमको पुरुषार्थ करने वालों को वरदान देता है, वैसे आशीर्वाद भी नहीं करता है, पुरुषार्थ करने वालों को आज बाबा कहता है वरदान देता है। यानी बाबा जो सच्चा पुरुषार्थ करने वाले है ना, सफलता उसको वरदान में मिलेगी। पुरुषार्थ में तो सेवा में नेचुरल अपने आप होंगी, वह तो क्या कहेंगे ये बाबा का वरदान है, कैसे हुई, बाबा का वरदान है। पुरुषार्थ हो तो ऐसा जैसा बाबा कहते हैं, दो कदम बच्चों का, हजार का, दो कदम बच्चों का, आगे कहते दो कदम हमारा, 8 कदम उसका, अभी 2 कदम हिम्मत का, 1000 कदम बाप का, वंडर है। सिर्फ पुरुषार्थ में काम पाव रोक न जावे, स्टोक ना आ जावे, बाबा भी कुछ नहीं कर सकता, क्या करूं ऐसे हो गया, अलबेलाई, बाबा का फरमान नहीं माना, आत्मा समझ के खड़े होकर के बाबा को याद करो ना, कभी कोई टांग लंगरी नहीं होगी, शरीर की भी नहीं होगी, आत्मा भी लंगरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे। एक बारी बाबा ने कहा था ये लंगरा पुरुषार्थ ही है, ऐसे ऐसे जो बाबा के बोल निकलते हैं ना, वो दिल को इतने लग जाए और सच्चा पुरुषार्थ करने पड़े,
जरा सा भी अंदर एक बह दूसरी आंख ऐसी हो। आत्म स्थित अब मन क्या, आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, शुद्ध आत्मा में ईश्वर से ने भरा हुआ है, वो आकर्षण शुद्ध ईश्वर को भी खींचती है। आत्म मानी ये भी अनुभव करके देखो। मैंने भाई निमला में ऐसे प्रोग्राम बनाओ सब ये अनुभव करे, दिल से अनुभव करे। आत्मा अपन को समझ, न सिर्फ समझ है, मैं आत्मा परमात्मा की तो बाबा खींचेगा। आत्मा ने अपने आप को यहां से फ्री कर दिया बाबा के इशारे से। एक है बाबा का दर्शन, दूसरी है श्रीमत, तीसरा इशारा। समझदार दर्शन पर चलेगा, उठना बैठना खाना पीना दर्शन है। ये हमको डायरेक्शन मिले हुए हैं तुमको, सुबह से चलना कैसे, उठना कैसे, खाना कैसे है। तांग बाबा ने चलना भी सिखाया था, बच्चे साइलेंस में बात नहीं करो कभी भी, वॉक करो ना, 1 माइल 2 माइल 3 माइल यहां वॉक करो, साइलेंस वॉक, आपस में बातें मत करो, सिखाया है बाबा ने। बातें करने की आदत बहुत है, उसमें भी बाबा हमको चेकिंग करता था, दीदी को भेजता था, कौन सी बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। जब मधुबन मिला है ना, क्या बात करनी, कुछ बात नहीं करनी, मरना है मधुबन में, बिल्कुल मरना है। आत्मा सारा पुराने अनेक जन्मों के क्योंकि रावण राज्य में रहे हैं ना, धकलप रावण ने सब कुछ भाग्य से हमारा छीन लिया ना, भगवान से जो राजभाग मिला था, किसी को छोड़ा नहीं ना। सन्यासी महात्माएं भी योग बल से जन्म नहीं ले सकते, भले कितने पौत्र ऋषि मुनि है, इतना पावन बनाता है जो सत्यों में जन्म ही हमारे योग बल से होगा। इतना योग होवे पावरफुल, इतनी आत्मा इतनी शुद्ध होवे, उसका जन्म भी फिर ऐसा होवे सत्युग में। अपवित्रता की अंश न रहे, वो अपने आप को देख, पवित्रता की वैल्यू। आगे हम पवित्रता सप्ताह पर, वो दिन अभी नहीं है, पवित्रता सप्ताह रखते थे, शांति सप्ताह रखते थे, चक्रधार बन जा दूंगा शायद, पवित्रता सप्ताह। पूरी पवित्रता क्या है अंदर, ठीक, शांति का सप्ताह रखो तो एक एक घड़ी एक एक सेकंड भी हमारा चेक करना है। अपवित्रता का टच तो नहीं हुआ संकल्प, या किसी का वाइब्रेशन तो मेरे को असर तो नहीं हुआ। ऐसे हमारे वाइब्रेशन पावरफुल हो जो किसी का भी अशुद्ध संकल्प चल नहीं सकता। एक दिन मधुबन में बाबा साकार में था, तभी हम उस टाइम 500 लोग थे, फर्स्ट टाइम था 500 लोग मधुबन में हुए। पता नहीं बाबा को इतनी प्रेरणा थी, इतना शांत रखा था हमको, तो कोई आए थे, देखा यह आवाज ही नहीं है। मंदिरों में जाएंगे, कोई घंटघरिया लूंगा, कोई दर्शन होगा, कोई पल्ला रहूंगा, कोई कुछ नहीं होगा। देखते
500 लोग ठहरे हुए, पांडवन छोटा था, हिस्ट्री हाल भी शायद तभी बना नहीं था, बया बनना होगा, आवाज नहीं। अभी हमारे ज्ञान स्वरूप पांडव भवन में आवाज ना हो। तो जो आज बाबा ने बोले, जो लोग शांति सारी दुनिया में मांगते हैं ना, शांति यहां से मिल रही है, शांति के देव यहां बैठे हुए हैं देने वाले। एक दैवी गुणों में देव, वो बड़ी बात नहीं है, पर शांति देव, शांति देने वाले, तो ये हमारी जैसी अंदर से भावना होंगी ना पुरुषार्थ की, बाबा पूरी करता है। ये फिर मैं बता देती हूं, पुरुषार्थ में जैसे दान भी कोई करता है, जैसे भावना से दान करता है ना, रिटर्न बाबा देता है। जिसी प्रकार से जितनी जो सेवा करता है उसको रिटर्न मिला है, जमा है, परंतु उल्टा काम करता है तो जो सेवा की हुई है वो भी निष्फल हो गई। भगवान तो कहा तुमने किया है, जमा है, पर बुद्धि को ताला लग गया, उल्टा काम कर लिया, भगवान से जो लिया वो भी अपने आप खलास कर दिया। भगवान तो दिया था, खलास कर दिया, और फिर से वापस इतना शुद्ध श्रेष्ठ आत्मा सच्चा बने, एकदम सच्चा बने, जो भगवान को फिर रहम आवे मेरे ऊपर। ये भी देखा है, खिमिया रहम, खिमिया बाबा एक दिन में करता है, सच्ची माफ कर ले, सच्ची दिल से माफी लेने वाले को करता है। नहीं महसूस किया है, बाबा देखता भी नहीं है, दिल से पश्चाताप करता है, मैंने अपना गमाया, बाबा फिर से, बाबा फिर से, फिर ऐसी खिमिया, फिर रहम आता है, अच्छा बच्चे को फिर से उठा दो, फिर भी मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, तो उसमें स्नेह दे करके चला देता है। बीती को बिंदी बाबा हम नहीं लगा सकेंगे, बाबा लगा देते हैं। हम अपनी भूल को माफ करें ना, मुश्किल हो जाता है। तो बाबा अपनी भूलों को हम माफ कैसे करेंगे, किया है आईने में दिखाई पड़ती है, मैंने किया है, कैसे माफ करूं। बाबा इतना स्नेह से भूलवा, माफ करके फिर भूलवाता है, चल आगे। अभी ये घड़ियां चल रही है, मानो न मानो, पर थोड़ा बैठ के एक कांधे पूछो, इस घड़ियों का मुझे फायदा लेना है या अभी तक करेंगे का ख्याल सब संकल्प आता है। अच्छा तो है, लेकिन ऐसे विचारों में ये घड़ी गंवानी नहीं है। किसी का दोष न देख, किसी का दोष देखा उन दोष दूसरे का हो गया, मेरा देखने से मेरा हो गया, वो चिंतन में आ गया मेरे। विचार करो, ये बड़ी गहरी फिलासफी, डीप जानने की बात है। जिस घड़ी हम दूसरे को दोष को चिंतन में लेती हूं, दोष दूसरे चिंतन में मैंने लिया, मैंने चिंतन में विचार सागर मंथन करके मन मना बहोना छोड़ दिया, कितना मेरा नुकसान हुआ। पर ये संग से फायदा नहीं मिलेगा, संग में बैठे बैठे भी उदासी रोना आता रहेगा, भोगना दूसरे का दोष देखना। किसी भक्ति में कहते हैं, किसका भी दोष चित्त पर मत रखो,
एक भगवान ही है जो मेरा दोष नहीं देखता है, उसका मैं बच्चा हूं, मैं कैसे देखूं? न वर्णन करूं, वर्णन करने तो बाकी भी पक्का हो गया, उसका चला भी गया होगा दोष, पर मेरे पास बैठ गया अच्छी तरह से। वर्णन करने से वो हमारा हो गया, पर मेरी जो अच्छाई है ना, वो किसको दिखाई नहीं पड़ेगी, अच्छाई काम नहीं करेंगी। जो कर रहे हैं ना, वो भी कर नहीं पाएंगे। तो प्रेजेंट समय गुह्य गति चल रही है कर्मों की, इसलिए बाबा की वार वार हर मुरली में है, बाप तुम आत्माओं को पराता है, तुम बच्चे देखो पराने वाला कौन है, क्या परा रहा है। एक एक बात बाबा की दिल को इतनी लग जाए जो और कोई बात दिल में आ जाए, आ नहीं सकती। इसमें बाबा ने कहा है ड्रामा की अच्छी तरह से समझे, कोई विरले बच्चे को आ सकती है। जो हुआ है इसमें चाहिए सहनशीलता, एक सहनशीलता का गुण हो। सारे ज्ञान के गहराई में जाने के लिए, अमल में लाने के लिए सहनशीलता बड़ा स्याना बना देती है, चित्त को साफ रखती है और एकाग्र चित्त रहने मदद करती है। डाम मम्मी की बात अच्छी है, हुपो बना पड़ा है, बाबा ने समझाया है, कोई नई बात नहीं है, पर धीरे से अपन को समझा करके डोलते रहते हैं, जैसे बाबा मामा, जैसे बाबा मामा। इसलिए मामा बाबा का चित्र सामने अच्छा रखते हैं। लोग पूछते क्यों रखते हैं, मैं तो रखती हूँ, चेहरा मम्मा का देख अपन को देखेंगे, बाबा का देख अपन को देखेंगे, आईना है ना मम्मा बाबा हमारे लिए। आईने में देखने के भी पता नहीं चलता है मैं कैसी हूं, पर मम्मा बाबा आईना है हमारा। उन्होंने कैसे ऐसे लक्ष्मी नारायण पद पाया है वो हमको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। एक घर जाने के लिए तैयार बैठे रहे, और सुखदा में आने के लिए ऐसा क्वालिटी वाला ऊंच पद पाने वाले संस्कार हो गए, ऊंच पद के यहां इमर्ज हुए संस्कार, प्रैक्टिकल में दिखाई पड़े बरोबर। ये सत्य की स्थापना करने में ही लगी हुई है अपन को, सत्य की दुनिया में आने के लिए वायुमंडल ऐसा ही सेकंड में पांव रखते ही, जैसे कोई सत्युग में आया है।